उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं। शुक्र है, वो तो बहुत अच्छा फैसला है। खान साहब को भी अब चले जाना चाहिए, बेहतर हाल यही है। सेहत में आ जाते, कुछ तो करते ना, हमें भी नाम पता होता। उनका नाम तभी पता चलना शुरू हुआ जब उनको निकालने की बारी आई है। पंजाब को संभालने वाला एक ही था, शहबाज शरीफ। अगला वजीर आला वो होगा जो बेहतरीन लौटा होगा। ये तो रुपया भी देते हैं ना किसी को, तो तस्वीर उतारे बगैर नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, वफाक से पहले पंजाब में तब्दीली के इम्कानात रोशन हो गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का फैसला इमरान खान साहब तकरीबन ले चुके हैं। उन्होंने कमेटी बना दी है जो ये डिसाइड करेगी कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बाद कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा वजीर है, कौन सा ऐसा MP है जो वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठेगा। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी अपने इम्कानात को रोशन किए हुए हैं कि वो भी वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ वलीम खान साहब, जिन्होंने वैसे तो वजारत से इस्तीफ़ा दिया लेकिन वज़ीर आला के उम्मीदवार वो भी हैं। लोगों से जाकर पूछते हैं कि कौन से ऐसे शख्स हैं जो वजारत आला की कुर्सी पर बराजमान होने जा रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के बाद। चलते हैं लोगों के पास। चलें जी, ये बता दें कि आपका क्या ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का फैसला सही है? बिल्कुल ठीक है। महंगा इंटरव्यू है पहने भरावा, तनखा दी इंतजार कर रहे, तनखा ही नहीं आ रही कुड़ी है। हमें से कौन होना चाहिए अगला वज़ीर आला पंजाब? परवेज़ इलाही होना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब में ऐसी क्या खास बात है? आप वो हुकूमत को चलाना जानते हैं। ये बताएं, इमरान खान साहब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाने का फैसला कर लिया है, आपका क्या ख्याल है, कैसा फैसला है? यार मेरा तो ख्याल ये है कि फैसला जो इमरान खान ने किया है वो सही किया। उसकी वजह क्या है कि यार लोग अगर नाराज़ हैं PTI से तो उसको चाहिए यार मशावरत के साथ जो उनसे ना डिसीजन कर लेना चाहिए, तो डिसीजन भी ऐसा करना चाहिए कि यार कि आने वाला जो है वज़ीर आला वो एक अच्छा डिसीजन लेकर आए। कौन अगला वज़ीर आला हो सकता है आपके ख्याल? ये एक बड़ा मुश्किल सा है। उसकी वजह क्या है कि सोशल मीडिया आपका हर जगह ये बात फैलती है, ऐसा ही है ना, तो हर बंदे की एक अपनी राय है। लेकिन अगर जंगीर तरीन साहब वक्ती तौर पे, ये नहीं है कि है मैं कारकुन, जेन्युइन बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूँ, लेकिन क्या है कि इनकी हुकूमत को अगर एक साल या डेढ़ साल रह गया है इनको करना चाहिए। किसको होना चाहिए वज़ीर आला? जंगीर तरीन। जंगीर तरीन साहब तो MPA के इलेक्शन भी नहीं जीते हुए नायल भी। बात यह है कि बड़े लोग ऐसे आए हैं जो नहीं इलेक्शन जीते तो लेकिन आगे आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बदलने का फैसला कर लिया है, ठीक है, कैसा फैसला है? सही फैसला सर। कौन होना चाहिए अगला वज़ीर आला पंजाब का? शहबाज शरीफ होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब के जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी है जो नए वज़ीर आला का नाम तजवीज़ करेंगे, आपका क्या ख्याल है कौन सा ऐसा शख्स है जो वज़ीर आला बन सकता है? वैसे ही गेम मैं नहीं बता सकती कि बन कौन सकता है, मगर इनकी हुकूमत में ना गंदगी बहुत है, आपने देखी है। वैसे आपस की बात है, जो बड़ी ईद पे होता था या कुछ भी होता था, सफाई का बड़ा एहतमाम रहा है हमेशा से लाहौर के अंदर, मगर लाहौर भी कचरेदान बन गए इनके दौर में, इन्होंने बिल्कुल इस चीज़ पे अटेंशन पे। उस्मान बुज़दार साहब जाएंगे तो साथ कचरा जाएगा? मगर अगर अटेंशन दी जाएगी या सही प्रायोरिटीज़ रखी जाएंगी तो बिल्कुल दिया जाएगा। हम इसको इतना ग्लैमराइज करते हैं, जैसे मैं दुबई गई तो मैं कहती थी लाहौर लाहौर है, मगर अब मेरे कहने पर कोई लाहौर आए तो मुझे बड़ा है कि ऑकवर्ड लगेगा, वैसा लाहौर नहीं रहा उनकी हुकूमत में। उस्मान बुज़दार साहब आपने 3.5 साल देखे हैं उस्मान बुज़दार साहब? नहीं थे नहीं ना, वो कहीं तो आते। चलो मैं कहती कि अगर मैं हॉस्पिटल गई ना तो ओ माय गॉड हॉस्पिटल बड़ा साफ था, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। कहीं तो आ जाते, सेहत में आ जाते, कुछ तो करते ना, कि हमें भी नाम पता होता। उनका नाम तभी पता चलना शुरू हुआ जब उनको निकालने की बारी आई है। कहीं दिखता कि इन्होंने आज ये इनॉग्रेशन की है, यहाँ पर ये स्टेप लिए है कुछ बेहतर करने। इमरान खान साहब को तो कहते हैं कि वो सिर्फ मीडिया पे नहीं आते, अदरवाइज वो काम दूसरों से ज़्यादा करते। ये तो रुपया भी देते हैं ना किसी को, तो तस्वीर उतारे बगैर नहीं देते। हुकूमत जो मतलब जो चल रहा है, पॉलिटिक्स तो ऐसी चल रही है ना, दिखावे के बगैर तो नहीं तो कर रहे होंगे, अल्लाह उनको अजर देगा उसका, हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कमेटी बना दी है नए वज़ीर आला का नाम सोचने के लिए, आपका क्या ख्याल है उस्मान बुज़दार साहब के जाने का फैसला कैसा है? मेरा तो ख्याल है वो तो बहुत अच्छा फैसला है, खान साहब को भी अब चले जाना चाहिए, बेहतर हाल यही है। जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, जिस तरह वो चला रहे हैं, उनसे ये चल ही नहीं पाना है मुल्क, इससे बेहतर है कि इस दफ़ा ये इलेक्शन आते हैं उससे पहले इस्तीफ़ा दे दें, उनके लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जाते हैं तो कौन सा ऐसा शख्स है जिसको आप वज़ीर आला की सीट पर देखना चाहते हैं? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब अभी तो नहीं ना आ सकते, अभी तो आपको ये पूछा, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ कि मेरा मशवरा है कि शहबाज शरीफ को आना चाहिए वज़ीर आला। और अगर जो मौजूदा हैं, जिन जो 2-4 नाम प्रोमिनेंट आ रहे हैं सामने, उनमें से जंगीर तरीन बेहतर है? जंगीर तरीन साहब तो नायल हुए। हाँ,
उस कौन से नाम और कौन से आ रहे हैं? अलीम खान हैं, परवेज लाई साहब हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, इस तरह के दो चार और नाम आ रहे हैं। साहब बेहतर हैं तीनों में से, अलीम साहब बेहतर है वो। उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं, इमरान खान साहब का कैसा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है जी, उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं, लेकिन काम कर रहे थे वो खामोशी से कर रहे थे, लेकिन कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निकली। तो मैंने कहा है कि चलो अच्छी बात है वो जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो चलो इतने तंग हैं आप उनसे? मैं कहता हूँ कि अखीर तंग, मैं तो गवर्नमेंट से तंग हूँ। अच्छा जी, तो इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है और उन्होंने कमेटी बना दी है कि वज़ीर आला साहब जाएंगे, आपका क्या ख्याल है कौन सा ऐसा शख्स है जो अगला वज़ीर आला पंजाब हो सकता है? इसी गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो पंजाब को संभाल ले। पंजाब को संभालने वाला एक ही था, शहबाज शरीफ, बस और कोई नहीं। तो इस अब ये जो डेढ़ साल है वो कौन सा वज़ीर आला पूरा करवाएगा? ये अब देखें, इनके प्रेज़ वलाही ने भी अपने वक्त में सही काम किया है, तो अगर वो भी आ जाए तो ठीक है, नो डाउट, लेकिन शहबाज शरीफ द बेस्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी है नए वज़ीर आला का नाम सोचने के लिए, उस्मान बुज़दार साहब जाते नज़र आ रहे हैं, कैसा फैसला है? बात ये है बेटा, एक है ब्यूरोक्रेसी, एक है लोटाक्रेसी। तो जो लोटाक्रेसी है वो पाकिस्तान की पॉलिटिशियन का हिस्सा है, जो ब्यूरोक्रेसी अंडरवर्ल्ड में उनकी हुकूमत होती है, वो जिसको चाहे तब्दील कर दे, जिसको चाहे फेल कर दे, जो उनकी मर्ज़ी का काम ना करे, जो ऑफिसर शाही को ऑफिसर शाही के साथ छेड़छाड़ करे, उसको वो किसी न किसी तरीके से फेल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे गटरों के ढक्कन नहीं है, गलियों में काम नहीं है, गटर बंद है, सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है, उसके बाद रेट कंट्रोल नहीं है, मार्केट कमेटी और सब कुछ इसमें आ जाता। तो ऐसे लोगों ने उस्मान बुज़दार साहब को फेल किया? बिल्कुल ऐसे लोगों ने फेल किया, और उसमें वो भी लोग शामिल हैं जो अपोजिशन में हैं, जो माफिया के लोग हैं, जो स्टोर चलाते हैं, कोल्ड स्टोर चलाते हैं, जखीरानंदोजी करते हैं, मिलावट करते हैं, और वो भी लोग उसमें। वज़ीर आला की ये जिम्मेदारी बनती है ना वो इन चीज़ों पे कंट्रोल रखे, नज़र रखे, उसकी उसके बस का काम नहीं था ये, वो फिर हटना बेहतर है? नहीं, उसके लिए बेहतर यही था वो शुरू के दिनों में पहले चला जाता, अब वो वक़्त गुजर गया, पीटीआई पंजाब से ख़त्म हो चुकी है। अगला वज़ीर आला कौन होगा? अगला वज़ीर आला वो होगा जो बेहतरीन लोटा होगा। हाँ, मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि आप मुशर्रफ का दौर देख लें, नवाज शरीफ का दौर देख लें, जरदारी का दौर देख लें, मतलब जो होगी असम्बली में वज़ीर आला की सीट, वहाँ पे किसी शख्स की बजाय हमें लोटा पड़ा मिलेगा, सारी असम्बली लोटों की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, और नया वज़ीर आला जो है उसके आने की नवीद सुनाई जा रही है, क्या ख्याल है, कैसा फैसला है? मेरा ख्याल है ये ना, इन्हें 3 साल पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक मेरा ख्याल है कि वो था तहसील लाजिम था पहले, और उसे और कहीं कोई जगह नहीं मिली, और उन्होंने ला के ऊपर जो है इतने बड़े सूबे का, जो पाकिस्तान का मेरा ख्याल है 12 करोड़ आबादी वाला सूबा है, उधर इन्होंने लगा दिया हुआ है वज़ीर आला। ये कोई छोटी पोस्ट नहीं थी, खैर चले अब टाइम गुजर गया, इमरान खान को अभी जाके समझ आई है, तो ये अच्छा फैसला ही। वो तो कहते हैं कि माइनस बुज़दार, ठीक है, अगर वो माइनस बुज़दार हो जाता है, कोई नया वज़ीर आला आता है, तो उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे अलीम खान साहब दूसरे लोग? मुश्किल है, असल में वो चाह रहे हैं कि अलीम खान ही आए, जो जहांगीर तरीन साहब है, अलीम खान साहब गए भी हुए हैं लंदन, मैंने सुना है, मुलाकात करने के लिए, उनसे देखें क्या करते हैं। अब प्रेशर ग्रुप का तो काम यही है कि वो अपना लाएंगे बंदा जो उनके इशारों पे काम करे। अगला एक नाम जो आप वज़ीर आला का समझते हो? यास्मीन राशिद मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इनके लिए। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का फैसला सही है, जो उन्होंने नई कमेटी बनाई है वो कौन से ऐसे लोग होंगे जिनका नाम वो सामने लेके आएंगे वज़ीर आला के तौर पे, नए वज़ीर आला पंजाब के तौर पे। अब जो अलीम खान साहब ने अपनी दौड़ शुरू की है, जो परवेज़ इलाही साहब अपने पाँव मारे हैं, तो इसके सारी सिचुएशन को देखते हुए, सारी सूरत हाल को देखते हुए, पंजाब के हालात को देखते हुए, आप क्या समझते हैं कि कौन सा वो शख्स है जो वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठ सकता है? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। देखते रहिए बागी टीवी।